ये बंदा इतना कोई ठरकी है कहता क्यों भाई कहता ठरकी हो कहता लड़कियां साथ लेके आप इंटर कराएंगे। हां ये बात मैंने सुनी थी। और ये वाला दूसरा वाला फोर है ना ये किसी दिन गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा, क्या वजह है? बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है मुझे जो है ना यहाँ पे आगे ऐसे घुटन हो रही है एक तरह से। बहुत छोटी लग रही है, बहुत छोटी, बहुत लाइक इट्स दो डब्बे नहीं होते, एक डब्बे खत्म बस। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम आप जानते ही हो, ज़ैर आफ्ताब, और मेरे साथ है मेरा खूबसूरत मुखड़ा ज़ेबी। आज का व्लॉग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम आपके लिए पहली दफा इस चैनल पे एक नई चीज लेके आए हैं। आज हम आए हैं जी ज़ेबिस यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो अभी हम आगे चलते हैं। खैर वो तो हम चलते हैं, सबसे पहले आप देख लें ये ज़ेबिस है सामने, और ये अचेट में है H8-4 में है, और ये ज़ेबिस की पार्किंग है। और यहाँ पे देखें पार्किंग भी जो है इतनी हैवी गाड़ियाँ खड़ी हैं इसकी पार्किंग में। और नमल के बेचारे हमारे लोंडे जो हैं उनके वहाँ पे पार्किंग में बाइक जो है 70 की कतारें ख़त्म ही नहीं होती है। और यहाँ पे यार हैवी सीन्स अभी सही लग रहे हैं। खैर यूनिवर्सिटी के बाहर हम मौजूद है, अभी हम जाएँगे अंदर, और आज हमने जो है ना ज़ेबिस विज़िट करने का प्रोग्राम बनाया सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो लेट्स सी क्या होता है। सबसे पहला मसला ये है कि इंटर होना है, और हमने अभी एक दोस्त को बुलाया जो हमें इंटर करवाएगा। तो खैर अंदर जाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। यार यूनिवर्सिटी के अंदर हम लोग पहुंच चुके हैं, और ओए चेक करो माशाल्लाह माशाल्लाह ज़ेबिस की बिल्डिंग। ओए होए होए, खैर ये तो भी फर्स्ट ब्लॉक है, आगे जाके पता करते हैं यहाँ पे क्या सीन है, क्योंकि मुझे अभी कोई इसके बारे में यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता। यार देखो आज जो हम ज़ेबिस आए उसमें सारा क्रेडिट जो जाता है वो ज़ोएब भाई को जाता है। क्यों? बिल्कुल सही बात है यार, ज़ोएब भाई को नहीं जाता, इनको जाता है। आपने मुझे इन कराया है, सॉरी मैंने आपको ईमेल दिया। हाँ ईमेल दिया, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये बंदा इतना कोई ठरकी है क्यों भाई, ठरकी हो कहता है लड़कियों साथ लेके आप इंटर कराएंगे। हाँ ये बात मैंने सुनी थी। देखो आपसे मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी यार, ये देखो लेडीज फर्स्ट। यार क्या सीन है ज़ेबिस का, कोई बताओ ना, यहाँ पे आए कुछ समझ नहीं आ रही क्या हो। सुक्का सीन है, खुशके पे हो सारे इनका खाली सुक्का सीन है। ठीक है इधर मैंने इधर बाहर एक भाई को देखा है, वो अपनी मार्केक्स निकाल रहे थे। ठीक है ये तो मैंने देखा है, नमल की पार्किंग होती है 70 की, वहाँ पे लाइनें लगी होती है। यार आप अभी सीएस वाले टाइम पे आए ना, आप अगर आते ना बीवी वाली टाइम, लेकिन मुझे मैं कहता हूँ लेवल ना करो, सही बात, बीबीए वाले टाइम पे। तुम्हारा क्या सीन है ये बताओ। मैं बता रहा हूँ ना, असल में पता है क्या मसला, ये इनका नहीं है। इधर आओ, मसला इन लोगों का नहीं है, इनके साथ जो बंदा फिरता है ना पोनी वाला, ये साला है ही पनौती। ठीक है ये जिधर जाता है ये अपना भी सीन खराब करता है, और ये भाइयों का। मुझे लगता है कि इसके साथ भी इसने कुछ किया जो ये इतना जला हुआ है। आज बता दे ज़ेबी, तू वैसे भी देख 14-15 साल इसके साथ गुजारे हैं, सारी मनहूसियत ही अपने ऊपर आई है। कोई नहीं कोई नहीं, अच्छा तुझे देख के वैसे लगता है आई है तेरे पे, पता है? बिल्कुल, मैं तो मानता हूँ भाई। खैर वैसे चक्कर ब्लॉग तो बड़े जबरदस्त बने हुए हैं ना यार, जबरदस्त बिल्डिंग है। काश हमारी नमल की भी ऐसी होती। नमल की यार, नमल से कंपैरिजन तो ना करो भाई, नमल बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है यार। आप कह रहे हैं नमल उधर से स्टार्ट होती है, दूसरा कोना हो जाता है, ठीक है, ये इधर से स्टार्ट होती है, बात खत्म, ये खत्म हो गई है, ना करो सच में खत्म हो गई है। तुम थूक फेंकोगे ज़ेबिस खत्म हो जाएगा यार, इस तरह की बात ना करो। देखो हर यूनिवर्सिटी जो होती है ना उसका अपना लेवल होता है, ये अब आप ज़ेबिस के बारे में ऐसी बात ना करो। प्राइवेट यूनिवर्सिटी है ना, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो होती है वो छोटी ही होती है, ये तो बात, उनके कैंपसेस छोटे होते हैं। उम्मीद ही छोड़ के लोग क्रिकेट खेलते जाके चुप करके, क्यों क्या वजह है, उसकी क्या वजह है, तीन सेमेस्टर बंदे ने जान लगाई है कुछ नहीं हुआ। अच्छा अच्छा यार ये सीढ़ियां चेक करो कितने कोई डिजाइन में बनी हुई है यहाँ पे। ये कौन सा डिपार्टमेंट है ये वाला डिपार्टमेंट, ये क्या ये ऊपर क्लासेस भी है। अच्छा ज़ेबिस में मुझे अभी दो मस्तूरात मिली हैं, और इमशा रहमान और नताशा। पता चला है कि इमशा जो है बहुत फेमस टिकटॉकर भी हैं। खैर देखो टिकटॉकर बोला है, माइंड तो नहीं किया है, इट्स ओके। अच्छा ज़ेबिस का आपका कैसा एक्सपीरियंस है? इट्स गुड, ठीक है, लेकिन यहाँ का सीन ये है कि लोग नहीं अच्छे यार। ये ना बोलो, मैं गया था मीडिया डिपार्टमेंट में, मुझे बड़ा अच्छा लगा यार। हम मीडिया के ही हैं। अब मीडिया के, अब तो जो है ना वो हो गया, क्या वो कहते नहीं होते ब्रो सीन हो गया, मैं भी मीडिया का हूँ नमल। अच्छा। हाँ लेकिन आपकी मीडिया डिपार्टमेंट से मैं बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ, पता है हमारी क्रिएटिव लग रहे हैं यार। यू आर टॉकिंग अबाउट पीपल, टॉक्सिक पीपल, टॉक्सिक फ्रेंड्स, स्नेक्स, लाइक इट्स फर्स्ट देखो except her because she's my old friend, because she's standing with you right now. लोग जब नए नए फर्स्ट सेमेस्टर में आते हैं तो काफी ज्यादा ग्रुप्स में फिरते हैं। yeah, we are already close. अच्छा आप फर्स्ट सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी से पहले एक दूसरे के जान से। अच्छा अच्छा तो अभी तक का वैसे मतलब यूनिवर्सिटी के लिहाज से ठीक है, यूनिवर्सिटी काफी अच्छी है, टीचर्स वगैरह सारे अच्छे, लेकिन द क्लासमेट्स आर नॉट गुड, बैड सीन है भाई।
लेकिन यार मुझे जो है ना यहाँ पे आगे ऐसे घुटन हो रही है एक तरह से, बहुत छोटी लग रही है, बहुत छोटी, बहुत लाइक इट्स दो डब्बे नहीं होते, एक डब्बे खत्म बस। खैर कोई नहीं, आप कभी नमल आओ, मैं आपको नमल विजिट कराते हैं। मेरा नंबर आने का इरादा है, मेरा एक दोस्त होता है। अच्छा, नहीं आप जब भी नमल आती हैं आप जरूर वहाँ पे कॉन्टेक्ट करें, आपको नमल घुमाएंगे। और नमल में आप ये है ना कि चल चल के थक जाएंगी, पाऊँ आपके जवाब दे देंगे, लेकिन नमल खत्म नहीं होगी, इतनी बड़ी है। अच्छा, बहुत छोटी है, वहाँ से शुरू करेंगे वहाँ खत्म हो जाएगी। सही, नाम भूल गया, इमशा रहमान। अच्छा, इमशा रहमान जो है वो टिकटॉकर है, एक फेमस। और मैं यार देखो, मैं उसलिए नहीं बोल रहा। खैर, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप जो हैं जानते होंगे, मैं भी पता, बहुत सारे लोग शायद आपको जानते हो सकता है, देखो फेमस पीपल इतने कॉन्फिडेंट से, मतलब नॉर्मली हो सकता है जैसे मैटर ही नहीं करता। कोई नहीं, गेम तो है भाई इमशा की, तो थैंक यू सो मच इमशा यार, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। यार देखो, नमल में हम मीडिया कर रहे हैं और वहाँ पे आज तक हमें मीडिया का जो स्टूडियो है उसका कोई सीन पता नहीं चला। हमें एक ही दफ़ा लेके गए थे, वो भी उस रेडियो रूम जिसको दिमक लगी हुई है पता है अंदर से, तो यहाँ पे मीडिया रूम चेक करो, माशाल्लाह वो वहाँ पे कोई रिकॉर्ड हो रहा है, फुल यार ग्रीन स्क्रीन वाला सारा सीन है। इतने अरसे बाद आज मैं ज़ेबेस्ट आया हूँ, ठीक है, मैंने इसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था, मेरा एडमिशन हो भी गया था, लेकिन फिर कुछ ऐसे मसले हो गए कि मुझे उन्होंने एडमिशन, क्या मसले हो गए, मसले की बेचारी की है ना, परसेंटेज बिल्कुल ही नीचे गिर गई है। अच्छा, रिजल्ट जो एडमिशन के बाद आया था। हाँ, अब तुम परसेंटेज थोड़ी बताओगे इधर सामने, इट्स मैंने इधर ही मैं पढ़ता, ठीक है, मीडिया डिपार्टमेंट में होता यार, वैसे ये बात है देवी, लेकिन किस्मत के नमल में ऐसे दोस्त मिले। नहीं यार, एक बात बताऊँ, इसके दोस्त बहुत अच्छे मिले, वैसे इस काबिल भी नहीं था। अच्छा, इस काबिल भी नहीं था। अच्छा, ओहो यार, इनने अपना मीडिया डिपार्टमेंट जो इतना माशाल्लाह सजाया हुआ है, ज़ेबिस की बहुत गेम लग रही है यार मुझे। यार देखो, अगर आपने मीडिया करना है ना, तो मैं पहली यूनिवर्सिटी है जिसका मैं मीडिया डिपार्टमेंट विजिट कर रहा हूँ नमल के अलावा, तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि गेम जो है ना ज़ेबिस की मीडिया डिपार्टमेंट की है, बहुत गेम है यार। अभी हम कोई थर्ड फ्लोर पे पहुंचे, सेकंड फ्लोर है। खैर, वो ज़ेबी मुझे कह रहा था शायद ये इसकी टांग में जान नहीं रही ना, बूढ़ा हो गया। अच्छा, ये ऊपर से होके जो है ना आप बर्ड आई व्यू चेक करें ज़ेबिस का, माशाल्लाह माशाल्लाह यार, बनी भी तो अच्छी है, मतलब डिजाइन वगैरह इन्होंने अच्छा किया है, डिजाइन बहुत फिट किया हुआ है इन्होंने, ज़ेबिस जो है मुझे बहुत इंप्रेस कर रही है। मैं बताता हूँ, सिर्फ इसमें जो नहीं है, जो सब पैसे ना है वो सब ग्रीनरी के पैसे। आप नमल आए हुए हो? नमल मैं एक दफा आया, एक दफा नमल आया था, किसके लिए आया था ये बता दे तुम। यार क्या मतलब, देख ले यार, ना करो, आए थे तुम, मैं किसी के लिए नहीं आया था, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। अच्छा अच्छा, यार देखो, नमल में एक लव गार्डन था और यहाँ पे मैं काफ़ी देर से सोच रहा था, मैंने कहा यहाँ पे भी ऐसा कुछ है, मतलब ज़ेबिस में लव गार्डन है नहीं है, अभी ज़ेब हमें बताने जा रहे हैं। देखो ये पूरा ये लव गार्डन, ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये वाला जो है ना, ये देखो वो लव कपल बैठा हुआ है। नहीं यार, ये देखो किसी की प्राइवेसी नहीं डिस्टर्ब करते किसी की, बैठा हुआ है, ये मैं गवाही दे रहा हूँ कि बैठा हुआ है, देख रहा हूँ, देख रहा हूँ, उसके पीछे है ना लव होता है। ओवरऑल यूनिवर्सिटी के ब्लॉक्स तो दो तीन ही हैं, लेकिन बने हुए अच्छे हैं और सफाई सुथराई भी इस यूनिवर्सिटी में अच्छी है, ये चीज़ देख के मुझे खुशी हुई है यार। आप लोग चलो मुँह धोके नहीं आए ज़ेब, मेरे दोस्त इस वजह से मेकअप मैंने किया हुआ है, कसम में झूठ नहीं बोल रहा, आज मैं ब्रश कर रहा था, मुझे बहन की कॉल आई कि यार मुझे बस तक ड्रॉप कर दो, मैं वहाँ से ब्रश करके के मुँह धोए बगैर चला गया, वापस उसको ड्रॉप करके आया, आके नाश्ता वगैरह किया, तैयार होकर निकल रहा था, देखता हूँ यहाँ से वो आँखें खराब बनी, मुँह धोए बगैर जा रहा हूँ यूनिवर्सिटी। कसम से आज का वाक्य है यार, मैं झूठ नहीं बोल रहा, इसलिए मेरी बात का माइंड नहीं करता कि यार मुँह नहीं धोया, मुझे पता है हम लोग अक्सर वो धोना भूल जाते हैं। नहा के फिर मुँह धोता हूँ। अच्छा, इसका इतने बड़े बाल रखे हैं, ये संभालने पड़ते हैं, इसका मतलब है कि साल में मुँह भी एक ही दफा धोता होगा। डेली मुँह धोता हूँ, डेली ब्रश करता हूँ, हर चीज एक एक दिन। अच्छा अच्छा, नहीं सही है, बहुत अच्छा करता है यार, कीप इट अप। क्या जी, ओनली 5% अलाउड, तो 5 से ज्यादा हो गया, अगर ज्यादा हो गया ना बस नीचे हो जाएगी, नीचे हो जाएगी, तो हम लोग कितने अभी 4 बंद कर, नहीं नहीं 6, ओ माय गॉड 6% है, अब क्या होगा, नहीं नहीं अब कोई चक्कर नहीं, देख लो यार, पहली दफा आपकी यूनिवर्सिटी आई है ना, वो के यहां पे हमारा कल्याण हुआ हुआ। तो यार इस लास्ट व्यू के साथ मुझे ज़ेबी, ज़ेब भाई और राफे को दीजिए इजाज़त, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।